तो गैस आज मैं आपको दिखाता हूँ कि मोती चूर वाले फ्लाईओवर पे क्या अपडेट है इस समय। थोड़ी थोड़ी अपडेट्स रोज़ आती जा रही हैं, तो जिस दिन भी मेरा लगता है ऋषिकेश को टूर में वीडियो बना लेता हूँ, तो आज मैं इस वीडियो में पर्टिकुलरली मोतीचूर फाटक से लेकर दूधाधारी चौक तक जो भी प्रोग्रेस है उसे कवर करने वाला हूँ। ज़्यादा लंबे वीडियो नहीं बनाता क्योंकि फिर लोगों का कॉन्सेंट्रेशन नहीं रहता वीडियो पर, इसलिए 8-10 मिनट के वीडियो में थोड़ा थोड़ा कंटेंट ही मैं कवर कर रहा हूँ। तो आप यहाँ से देख रहे हो उस फ्लाईओवर का जो इंक्लाइनिंग पार्ट है धीरे धीरे कंप्लीट होता जा रहा है, मिट्टी भरते जा रहे हैं इसमें और काफ़ी हद तक इस काम को इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। मैं तो एक्चुअली देख पा रहा हूँ सामने काफ़ी हद तक काम कर लिया है, पता नहीं कैमरे में इतना साफ दिखाई दे भी पा रहा है कि नहीं। तो वैसे नई चीज़ जो इस फ्लाईओवर पे मुझे देखने को मिली वो मिली ये रेलिंग, मतलब इन्होंने रेलिंग भी लगानी शुरू कर दी है, इसका मतलब काफ़ी हद तक काम ये ऊपर कंप्लीट कर चुके हैं। अब आप देखते जाओ ये फ्लाईओवर कितना कंप्लीट हो चुका है, बहुत ही फाइन क्वालिटी का ये लगता है, मतलब इतना लंबा फ्लाईओवर है और कुछ पिछले महीनों में इतना तेज़ी से काम हुआ है इस फ्लाईओवर पे और वो प्रोग्रेस साफ दिख रही है। तो गाइस फटाफट करता हूँ इस वीडियो को मैं फास्ट फॉरवर्ड और रेलवे क्रॉसिंग पे पहुँच के देखते हैं वहाँ पर कुछ नया काम दिखता है। तो गाइस ये हम पहुँच गए हैं रेलवे क्रॉसिंग पे, मोतीचूर जो रेलवे क्रॉसिंग है, और इस पर्टिकुलर पॉइंट पे उतना ही काम दिख रहा है, मतलब गार्डर अभी भी नहीं डले यहाँ पर, बट इसके आगे रेलवे क्रॉसिंग इसको क्रॉस करने के बाद जो नया ब्रिज बना है इस पुराने वाले ब्रिज के बिल्कुल राइट साइड में, उस पर भी थोड़ी थोड़ी प्रोग्रेस अब देखने को मिल जाती है, मतलब जैसे रेलिंग का काम हो गया वो इस समय इस पर शायद हो रहा है, बट और फेयर व्यू लेने के लिए एक बार पहुँचते हैं ब्रिज पे और वहाँ से देखते हैं कि नए वाले ब्रिज पे कितना काम हो गया है गाइस। तो अब अपनी राइट साइड में आप देखोगे आपको नया ब्रिज दिखेगा और मतलब ये कम्प्लीट ही है, अगर कैमरे में शायद इतना साफ नहीं आ रहा होगा पर आप डायरेक्ट देखोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि ये हिस्सा इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। जो मेन रोड इसके ऊपर डलेगी वो तो सबसे बाद में ही डलेगी जब सारा काम कंप्लीट हो जाएगा, बट जो सबसे बड़ा पॉइंट है ना वो यहीं पर है जहाँ पे रेलवे अंडरपास बन रहा है। काम स्लो है या इतना ही स्पीड से होना चाहिए पता नहीं, बट ये काम यहाँ पर काफ़ी दिन से इतने ही स्पीड से चल रहा है और थोड़ा बहुत दिखता है अपडेट, ज़्यादा नहीं, लेकिन इस पॉइंट पे जो अभी आप लास्ट के दो पिलर देख रहे हो ये नए गार्डर्स में अभी डले हैं लेटेस्ट, पहले यहाँ तक नहीं बना हुआ था ये, तो ये एक प्रोग्रेस मैं कह सकता हूँ। उसके अलावा अब ये सामने जो आप फ्लाईओवर देख रहे हो ये पहले से ही बना हुआ है। तो गाइस इसे करते हैं फास्ट फॉरवर्ड और पहुँचते हैं इसके डिक्लाइनिंग पॉइंट पे। गाइस ये एक ऐसा फ्लाईओवर है ना इस रोड पर जिसका काम इतना ज़बरदस्त तरीके से हुआ है, मतलब नीचे से ही देख के यार फील होता है कि जब ये फ्लाईओवर स्टार्ट हो जाएगा तो इस फ्लाईओवर पे गाड़ी चलाने का अलग ही मज़ा आएगा। सबसे लंबा फ्लाईओवर है ये और बहुत दूर तक बिल्कुल स्ट्रेट है, और गैस इसके डिक्लाइनिंग पॉइंट पे भी इन्होंने रेलिंग लगा दी है, मतलब मुझे लगता है कि एक रात ऐसी आएगी जब हम सुबह उठेंगे और ये फ्लाईओवर हमें बिल्कुल रेडी मिलेगा। दिन रात इस पर बहुत ही अच्छे तरीके से काम चल रहा है और अब इसका जो डिक्लाइनिंग पार्ट जो ब्रिज से कनेक्ट करने वाला है उस पर भी काम स्टार्ट हो चुका है, मिट्टी भरने का काम चल रहा है इसके अंदर और जल्दी ये भी कंप्लीट हो ही जाएगा। तो गाइस उस फ्लाईओवर के बाद अब हम आ गए हैं वापस से मेन रोड पे और ये जो पैच है ऑलमोस्ट कंप्लीट था पहले भी, लेकिन पता नहीं बाद में इसमें बीच बीच में कई जगह पे वापस से इन्होंने खुदाई चालू की हुई है। बाकी तो ये रोड रेडी था काफ़ी टाइम पहले ही, बट कई जगह पे अभी इसमें दोबारा से इन्होंने कभी राइट साइड को बंद करते हैं कभी लेफ्ट साइड को बंद करते हैं, पता नहीं नाले बना रहे हैं कि क्या बना रहे हैं। उसके अलावा ये वाली रोड लगभग पूरी ही रेडी है गाइस। तो गाइस फिर से एक ऐसा पॉइंट आ गया है जहाँ पर अभी लेफ्ट साइड की रोड को बंद कर दिया है इन्होंने, अभी दो दिन तक तो पहले रोड ये चल रही थी, अब पता नहीं यहाँ पर क्या बना रहे हैं ये। तो गाइस इससे जो अगला फ्लाईओवर है वो है दूधाधारी चौक पे जो फ्लाईओवर है, और उस पर काफ़ी दिन पहले से मैं देख रहा था काम कुछ खास नहीं चल रहा था, लेकिन आज जब हरिद्वार से ऋषिकेश जा रहा था तो मुझे दिखा उस पर भी कुछ काम हो रहा है।
और तो मैंने सोचा कि ऋषिकेश से जब वापस जाऊँगा हरिद्वार तब उसको लेफ्ट वाली साइड से कवर करूँगा। तो अब अगला फ्लाईओवर वही है गाइस, चलो देखते हैं इसके ऊपर कुछ नया काम अगर हुआ है तो। तो गाइस ये जो सामने आपको फ्लाईओवर दिख रहा है ये बन रहा है दूधाधारी चौक पे, तो अभी आप थोड़ा सा राइट साइड में कॉन्सेंट्रेट करोगे तो आपको दिखेगा इस पर क्या काम चल रहा है, मतलब इसके ऊपर भी अब काम अच्छे से शुरू हो गया है, स्पीड से शुरू हो गया। आप देख रहे हो पूरे गार्डर्स सभी जितने भी पिलर्स हैं सब पे डल चुके हैं पूरे पूरे गार्डर्स, और अब उनके ऊपर जो भी मतलब लेंटर के लिए जो भी काम होता है वो सब इस पे चल रहा है इस समय। तो मतलब हम उम्मीद कर सकते हैं कि ये वाला फ्लाईओवर भी ये रेडी करेंगे, और इसके बाद तो फिर ये जो रोड है आप पहले से देख ही चुके हो, यहाँ पर पुलिया की वजह से और नाले बनने की वजह से ये रोड बंद है, पर इस पे भी तेज़ी से काम चल रहा है गाइस। तो गाइस अब हम सीधा चलते हैं भूपतवाला के बाद जो पहला ब्रिज है गंगा जी के ऊपर पंतदीप पार्किंग के सामने, उसकी प्रोग्रेस को देख के इस वीडियो को खत्म करते हैं। गैस ये है हरिद्वार में एंटर होने के बाद जो पहला ब्रिज आता है गंगा जी पे, उस पे जो प्रोग्रेस है आपको लेफ्ट साइड में कॉन्सेंट्रेट करना है उसे चेक करने के लिए। अभी जो ब्रिजिंग वाला काम है उसमें पिलर्स के ऊपर गार्डर्स उसके ऊपर लेंटर सारे काम कंप्लीट हो चुके हैं। लास्ट टू लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि इसके बीच में एक हिस्सा ऐसा था जहाँ पे तब काम नहीं हुआ था 15-20 दिन पहले, वो काम भी हो चुका है और ये ब्रिज ऑलमोस्ट रेडी है, दोनों साइड से ये कनेक्ट हो चुका है। एंड जैसे ये ब्रिज का पार्ट लेंटर वाला कंप्लीट होगा तो ये ब्रिज भी रेडी हो जाएगा एंड देन हम कनेक्ट हो जाएंगे इस मेन रोड से। तो गाइस इसके बाद जो अगला ब्रिज है उस पर कुछ खास काम अभी तक स्टार्ट नहीं हुआ था, लेकिन दोबारा जब मैं ऋषिकेश जाऊंगा तो मैं ज़रूर चेक करूंगा इसके बाद जो ब्रिज है उस पर काम शुरू हुआ कि नहीं हुआ, और अगर शुरू हुआ तो कितना हो चुका है गाइस। बाकी इस वीडियो यहीं एंड करते हैं, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, हर वीडियो को लाइक मार लो क्योंकि अब डिसलाइक्स बढ़ने लग गए हैं वीडियोस पे गाइस, थैंक यू सो मच, गुड बाय।